आज की राशियों की, 12 राशियों की आचार्य जी ने बताया कि क्या कुछ करे खास जिससे कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो और क्या नहीं करना चाहिए जो आपके लिए हानिकारक साबित हो। बढ़ते हैं अगर अपराध लेंगे आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही खास है। मैं आज आपको हनुमान जी से संबंधित एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिस मंत्र के जाप से आपको नियमित जाप यदि आप इस मंत्र का करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आज इस मंत्र को बताने का कारण ये है क्योंकि लगातार हमें अपने दर्शकों के ऐसे ईमेल प्राप्त हुए जिनका ये आग्रह था कि आप जो भी मंत्र बताते हैं किसी विशेष तिथि के लिए कोई अनुष्ठान बताते हैं तो उसे एक या दो दिन पूर्व बताएं जिससे हम उसके लिए तैयारी कर सकें। तो ठीक है भाई, ये हनुमान जी का मंत्र मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल हनुमान जयंती है और कल जो है हमें आपको बताने के लिए बहुत कुछ होगा हमारे पास। हनुमान जयंती के साथ साथ कल चंद्र ग्रहण भी लग रहा है तो हम उससे संबंधित भी बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके काम आएगी। आज मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं ये हनुमान जी का मंत्र है। भगवान हनुमान अपने भक्तों की हर समस्या का निवारण करते हैं। यदि आपका कोई काम काफी समय से अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार प्रयास के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप मंगलवार के दिन से आरंभ करके या जो भी शुभ तिथियां होती हैं पूर्णिमा अमावस्या या जो हनुमान जयंती की तिथि आ रही है इस तरीके से या मंगलवार शनिवार के दिन से आप इस मंत्र का जाप जो है पूरे विधि विधान के साथ आरंभ कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप अपने घर से भी आरंभ कर सकते हैं हनुमान जी के समक्ष बैठ करके या फिर आप आसपास के किसी हनुमान मंदिर चले जाएं, अपने सामर्थ्य अनुसार उनको कुछ आप भोग नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद वहां बैठ करके इस मंत्र का आप जाप आरंभ कर दें। इस मंत्र के जाप के लिए आपको लाल चंदन की माला का प्रयोग कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको ये मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करें सन्मान तहिके कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। मंत्र एक बार आप पुनः सुन लीजिए, ये मंत्र जो है वो आपके लिए चमत्कार और रामबाण का काम करेगा। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करें सन्मान तहिके कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। बजरंग बाण का ये मंत्र जो है वो आपके दिनचर्या में किसी भी प्रकार के कष्ट को तत्काल दूर कर देगा। अब इस मंत्र को जाप करने सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या हो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको नित्य प्रतिदिन जब आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको प्रातः जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठने का प्रयास करिए। शुक्र पक्ष के मंगलवार शनिवार या शुभ तिथियां जैसे मैंने बताया अमावस्या पूर्णिमा और ग्रहण काल में यदि आप मंत्र जाप करते हैं सिद्ध करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो ऐसी तिथि में आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम और हनुमान जी का पूजन करना चाहिए और उनके समक्ष बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन की माला जैसे मैंने बताई आपको उसका प्रयोग कर लेना चाहिए और एक बार में कम से कम 5 माला का जाप आपको करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। प्रतिदिन इस चमत्कारी मंत्र का जाप यदि आप करेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी और जिस भी कार्य में बाधा आ रही होगी वो बाधा दूर होकर के आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि आप इस मंत्र का कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वो कम से कम 11 दिन 21 दिन या 45 दिन का अनुष्ठान होना चाहिए। 45 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और आपके कार्य में जो विघ्न है बाधा है वो दूर होकर के आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय हनुमान। तो ये मंत्र है जिससे आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं और तमाम समस्याओं से निवारण पा सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज आपके साथ रहे फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।